प्रणाम दीदी। प्रणाम भाई जी, अहाँ एम्हर कतऽ घूरि रहल छियै? कनि खेत देखि कऽ वापस जाइ छलहुँ तऽ अहाँके देखलहुँ खेतमे चबूतरा जकाँ बनबैत, ई की बना रहल छियै? ई चबूतरा नहि बनबै छियै भाई जी, धानके नर्सरी बेड बनबै छियै। धानके नर्सरी बेड? हाँ। आइ रे बा, आइ तक आमके लीचीके यानी कि फल फूलके तऽ नर्सरी लगबै सुनने छलियै, ई धानोके नर्सरी लगै छै? धानोके होइ छै भाई जी। अच्छा अच्छा। अच्छा दीदी, ई धानके नर्सरी बेड जे लगबै छियै तऽ ई नर्सरी बेड लगाके की फायदा होइए भाइ जी? एहि नर्सरी बेड एहि दुआरे लगेलियै यऽ जे ई कम बीयामे बढ़िआँ बीया होइ छै, ताकतदार होइ छै आ उखाड़ामे बड़ नीक होइ छै, बड़ सुविधा होइ छै, ओकर सिर नहि टूटै छै। अच्छा। आ रोपहुमे बड़ नीक होइ छै। मतलब एहिसँ जे छै से एकर मतलब जे छै से कम बीया लगैए। हाँ। आ उखाड़ोमे नीक होइए, नीक होइ छै, आ रोपैयोमे नीक होइए? बहुत नीक होइ छै रोपहुमे। अच्छा अच्छा। एकटा कऽ रोपै छै, उपलब्ध ज्यादा होइ छै। अच्छा, उपजो ज्यादा होइ छै? उपजो बहुत ज्यादा होइ छै। ओ, तहन तऽ बढ़िआँ अइ। अच्छा दीदी, जहन ई नर्सरी बेड लगेलासँ एतेक फायदा छै तऽ धानके नर्सरी बेडके बारेमे हमरा नहि जानकारी देबै? हाँ भाइ जी, हम बनेबे करै छी, अहाँ रुकि कऽ देख लिअ ने। अच्छा, अहीँ एखन नर्सरी बेड बना रहल छियै? हाँ। अच्छा, अहाँ सीख लिअ। अच्छा दीदी, नर्सरी बेडके बारेमे तऽ हमरा जानकारी देबे करब, तऽ एहिसँ पहिले जँ अपन परिचय देतियै तऽ बहुत बढ़िआँ रहितै। हाँ भाइ जी, किया नहि देब। सब दीदी भाइ जी के प्रणाम। हमर नाम भेल पूनम देवी। हरिओम। जीविका सोम सहेता समूह के हम सचिव छी, गुलाब जीविका ग्राम संगठन के सदस्य छी, और घर पटवाड़ा, प्रखंड राजनगर, जिला मधुबनी। अच्छा दीदी, परिचय तऽ अपने बहुत बढ़िया देलिए, आ आब जे छै से ई धानक नर्सरी बेड मे की सब लगै छै, कोना कोना बनबै छियै से जे बता देतहुँ तऽ बढ़िआँ छलै। हाँ भाइ जी, बता देब, किया नहि बता देब, बेरा बेरी हम सब चीज बता देब, एतेक नीकसँ बतायब जे अहाँ अपनो खेतमे जा कऽ करऽ लागब। तऽ ओहि दुआरे तऽ छै से हमरो जे छै से आब सीख लेने एकरो। देखियौ भाइ जी, बेड बनबैके लिए अथी बनबैके लिए कोदारिके जरूरी पड़ै छै। अच्छा। खुरपीके जरूरी पड़ै छै, आ बेडके लंबाई चौड़ाइ नापैके लिए फीताके जरूरत पड़ै छै। अच्छा, फीतोके जरूरत पड़ै छै? हाँ, फीतोके जरूरी पड़ै छै लंबाई चौड़ाइ नापैके लिए। अच्छा, ई नापि कऽ बनबै छियै? हाँ। ओ, अच्छा दीदी, ई नर्सरी बेड जे बनबै छियै तकरा नापैके किया जरूरत पड़ै छै? भाइ जी, नापै छियै एहि दुआरे जते बीया जे खसेबै तऽ ओहिसँ बढ़िआँ बीया रहतै ओते जगहमे, एहि दुआरे नापै छियै जे ओते जगहमे बीया बढ़िआँ रहतै, भोकर रहतै, बीया तगतगर रहतै, तो बढ़िआँ रहतै। अच्छा, जे कि ज्यादा नहि हेबाक चाही आ कमो नहि हेबाक चाही। मतलब जे बीया मतलब नर्सरी लगबै छै धानके बीयाके? हाँ। तो धानक बीयाके जतेक बीयाके नर्सरी लगबै ते हिसाबसँ जगह दै छै? हाँ, ओहि हिसाबसँ जगह दै छियै जे कम नहि पड़ै, ज्यादा नहि पड़ै। अच्छा दीदी, ई अहाँ जे धानके नर्सरी बेड बना रहल छियै, ई कतेक लेल बना रहल छियै? भैया, ई 5 कट्ठा खेतके लिए तऽ नर्सरी बेड लगा रहल छियै। 5 कट्ठा के लेल नर्सरी बेड लगा रहल छियै? हाँ, नर्सरी बेड 5 कट्ठा खेत के नर्सरी बेड लगा रहल छी। अच्छा दीदी, ई अहाँ जे नर्सरी बेड बनेलियै यऽ से एकर लम्बाई चौड़ाई कते? एकर लम्बाई चौड़ाई है भैया 10 फीट लम्बाई, 10 फीट चौड़ाई। एहि दुआरे भाइ जी बनेलियै यऽ दूटा बेड, जे एकटा बेड के 5 फीट से बेसी चौड़ाई नहि हेबाक चाही। अच्छा, एकटा बेड के चौड़ाई जे छै से 5 फीट होना चाही? हाँ, 5 फीट होना चाही। अच्छा दीदी, ई 10 फीट लम्बा आ 10 फीट चौड़ा जे छै से केना बुझबै जे 10 फीट पूरा पूरा है? भाइ जी, हम तऽ नापि कऽ बनेबे केलियै यऽ, 5-5 फीट के बनेबे केलियै, अहाँके विश्वास नहि हुए तऽ हे या फीता छै हे लिअ, नापि कऽ देख लिअ। अच्छा चलू तऽ देखाउ तऽ 10 फीट लम्बा 10 फीट चौड़ा। देखियौ भाइ जी, ई 5 फीट के फीता छै। अच्छा, ई 5 फीट के फीता छै? हाँ, ई 5 फीट के फीता छै, तऽ 5 फीट ई भेलै आ 5 फीट से ओ बेड भेलै। अच्छा, 5 फीट के ई बेड भऽ गेल आ ई है बेड जकाँ 5 फीट के ओहो बेड, सैह ने? हाँ, दुनू बेड छै 5। अच्छा चलू, ई हम चौड़ाई तऽ बुझि गेलहुँ जे 5 आ 5 10 फीट भऽ गेलै। हाँ, देखियौ भाइ जी, ओहो 5 फीट भऽ गेल। अच्छा हाँ, ई 5 फीट भऽ गेल, चलू आब इहो नापि लिअ। इहो 5 फीट भऽ गेल। ओ, सहीमे इहो 5-5 10 फीट इहो लम्बाइयो भऽ गेल? 10 फीट के लम्बाइ भऽ गेल। अच्छा, 10 फीट लम्बा 10 फीट चौड़ामे जे छै से दूटा बेड बनै छै, सैह ने? अच्छा दीदी, ई बेड जे छै से तऽ देखलियै, लेकिन चारू साइडसँ जे छै
से ई नाला बनल छै अहुठमा देखै छी बीच में नाला बनल भाई जी एहि दुआरे नाला बनलै है जे पानि जे पटेबै त नाले नाले पानि पटतै त पानि जे पटतै त पानि पठू में सुविधा रहतै आ तहु से हेतै ऊपर से जे बारिश हेतै त बिया डुम्बो नै करतै बिया के खराबी नै हेतै आ नाला दक पानि हेतै त बिया के सुविधा रहतै हाल पकड़ने रहतै अच्छा मतलब ई बेड में ई नाला दलिया से पानि पटबै दुआरे हां पानि पटबै दुआरे से मतलब ऊपर से बारिश से जे पानि हेतै त तहु से मतलब ई बेड डुबबाक नै चाहै पानी नाला दक निकल जेतै अच्छा 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 देखियो दीदी कतेक नीक बात छै हमरा सके ई बुझले नै छला हमरा सब त ओहिना जे छै से हर से जोत दै छियै आ तकर बाद जे छै से बिया छिटका चुकिया क चलि अबै छलियै खेत में लागल हेतै हेतै पानि आ ओ सबटा बिया जे छै से अहाँके पियर भए छलै उखाड़ियो में सुविधा होइ छै नहीं भाई जी हम सब त दू साल से ई खेती करै छी अहिना बिया नर्सरी लगबै छी यहाँ से दू साल से नर्सरी हाँ ऊपरो के बारिश होइ छै त ये बीज के नहीं नुकसानी करै छै बीज बहुत सुंदर निकलै छै अब तो एक बार हमू करबन ओहिना अहिना अहाँ सीख लिया अहू अहिना करब ई खेती देखियो भाई जी नाला बनबै टाइम में अहाँ से एक फीट चौड़ाई राखब अच्छा नाला के चौड़ाई एक फीट रखबे हाँ नाला के चौड़ाई एक फीट अच्छा अच्छा और भाई जी बेड के ऊंचाई 6 इंच रहबाक चाहिए अच्छा बेड के ऊंचाई जे छे एकर से 6 इंच रहना चाहिए हाँ भाई जी अच्छा देखिए कनी की कहन छले एक फीट चौड़ाई नाला हेबाक चाहिए सह ने हाँ ओ एक फीट चौड़ाइयो ठीक है आ 6 इंच कहन छले ऊंचाई 6 इंच ऊंचो ठीक है मतलब नाला के जे छे से एक फीट चौड़ा होना चाहिए हाँ। आ ई बेड जे छे से कहल जे अहां 6 इंच ने 6 इंच ऊपर रहना चाहिए ऊपर रहना चाहिए चलो ई हो देखियो भाजी बेड त तैयार भइए गेल छे आब एमे जैविक खाद छिटबे अच्छा एमे जैविक खाद छिटबे हां ई जैविक खाद की होय छे दीदी ओ अपने घर में गोबर से बना ले छिए भाई जी अच्छा त कन देखाओ ना हमरो जे ओ केना केहन खाद या केना के छिटबे हां भाई जी देखा दे छी अच्छा चल देखियो भाई जी जैविक खाद छै अच्छा यह जैविक खाद छै हां यह जैविक खाद छै एकरा अच्छा। खेत में छिटबे हां खेत में छिटो से पहले ओ खेत के चलिएबे अच्छा एकरा खन चलिएबो करबे हां खेत के चलिएबे आ तखन एकरा छिटबे हां अच्छा केना चलिएबे कन चलिएबे त अहिना के चलियाल जाय छै हां भाई जी लिया ना कनी अहू चलिएबियो ना भाई अच्छा, जी लगियो तो ठीक होइ छै ने हाँ भाई जी होइ छै एनाहिते चलि आयल जाय देखियो भाई जी खेत तऽ चलिया देलियै बेड तऽ चलिया देलियै आब एहिमे जैविक खाद छिटै छी अच्छा अच्छा बड़ा बढ़िया से छिटै छी दीदी अहिना का छिटल जाय छै नहि हां भाई जी अहिना खाद छिटल जाय छै जे बिया बढ़िया हां हां देखियो भाई जी आब त एकरा तैयार क देलियै प्लेन क देलियै आ तकरा बाद में एमे आब पानि पटेबे अच्छा अच्छा एकरा अहिना क प्लेन करऽ पड़ै छै नै हां अहिना क प्लेन करऽ पड़ै छै हाथ से सबटा प्लेन करऽ पड़ै छै ओ एमे पानि पटेबे आब हां आब एमे पानि पटेबे अच्छा हो इहो पानि पटौनी देखा दिए केना केना पानि पटबै छी देखियो भाई जी एबे एहिना का पानी पटायल जाय छै अच्छा एहिना का पानी पटा देल जाय छै हां एहिना का पानी पटायल जाय छै आ तब जाकर ओकरा से एक रंग कयल जाय छै अच्छा तहन फेर एकरा सप्ताह के एक रंग कयल जाय छै फेर से हां एकरा पूरा के एक रंग कयल जाय छै ओ जेना अंगना नै नीपै छियै भाई जी हां तहिना एकरा हां एक रंग करै छिए अंगना जाकर नीक अच्छा मतलब बिल्कुल चिकन भ जेबाक चाहिए सह ने बिल्कुल एकरा चिकन भ जेबाक चाहिए दीदी आइ में की छी नुड़ियाल भैया आइ में धान के बीज छै धान के बिया है छै हां ओ देखियो ना बिया छै भाई धानक बिया सब भिजल है
हाँ ये धान के बिया उपचार कैल छे बिया। ओ उपचार कैल छे? हाँ ये उपचार कैल हा बिया छे। अंकुरो देखै छी केटा में? हाँ अंकुर के भेल छी। ओ अच्छा दीदी ये बिया अंकुरल है से एकरा केना अंकुरले है भैया? बिया के जो उपचार के लिए न सभी बिया उपचारे से बिया ओकरायल गेलिया तो उपचार के लिए तही में ओकर लिया। हां अच्छा देखियो भाई जी बेडो तैयारे छे। हां हां अब एकरा छिटबे। अच्छा छिटबे। देखियो भाई जी बियो छिटे के एकटा तरीका होय छे। अच्छा कोना का छिटे छे? तो देखियो हम एना के बिया छिटे छे। ओ तो दीदी ये नहीं ना बिया छिटल जाए छे? हाँ अइ दुआरे ना छिटल जाए छे जे बिया पर बिया नहीं चढ़े छे। हां तो बिया पर बिया जे चढ़ जाए छे तो बिया बढ़िया निकले छे। अच्छा दीदी एना छिटे छे? हां भाई जी बिया एना छिटे छे। बिया पर बिया नहीं चढ़ला से बिया बढ़िया भोकर निकले छे। अच्छा 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 दीदी ई 5 कट्ठा के बेड तो बतेलहुँ हमरा जे 5 कट्ठा के बिया के लिए बेड बनेने छलिए लेकिन बिया कतेक देलिए? एहिमे 1 कट्ठा में 100 ग्राम दै छिए भाई जी। अच्छा 5 कट्ठा में 500 ग्राम गिरेलिए बिया। अच्छा ई 500 ग्राम बिया गिरेलिए? 1 कट्ठा पर में 100 ग्राम पड़े छै? 1 कट्ठा में 100 ग्राम पड़े छै। 5 कट्ठा के लिए 500 ग्राम बिया गिरबे पड़े छै। चलु ई तऽ हम अहाँके पुछनाइए बिसरि गेल छलहुँ तऽ हम बुझि भाई जी एकरा 2 दिन बिया छिटला के बाद में से 2 दिन तक एकरा झांपल रह दिया पड़े छे। झांपतो छी एकरा? हां ए झांपल रहे छे त एमे हाल जमल रहे छे। अच्छा और बात जे कि चिरै चुरमुनी जे होई छे से नहीं खाए छे जे ओ जे खा लेते बिया त ऊपर में रहे छे ओ जे खा लेते तखन भी जलमोबे नहीं करते। अच्छा मतलब बिया छिट लेबे तकर बाद एकरा से एकरा 2 दिन तक झाइप देबे। अच्छा ई केरा पास से झाइप देबे? हां केरा पास से झाइप देबे नहीं त खरो पतार से झाइप देबे। अच्छा चिरै चुरमुनी नहीं खाते? हां चिरै चुरमुनी नहीं खेते हाल जमल रहते। अच्छा देखियो भाई जी सबटा के तो झाँपि देलिए। हाँ अब झाँपला के बाद में 2 दिन के बाद एकरा उघाड़ देबे आ पूरा चारों कात से नाला में पानी भर देबे। अच्छा अच्छा अबे के नाला में पानी भर देबे? हाँ नाला में पानी भर देबे एकरा सब के 2 दिन के बाद हटा के हल्का हल्का पानी के ऊपर से झरनी जैसा पानी के छिटा देबे। अच्छा तब जाकर ये बिया बहुत सुंदर निकलते। अच्छा दीदी ऐ श्री विधि से धान के जे छे से अहाँ के बेड के तैयारी तो हमरा नर्सरी बेड के तैयारी तो बहुत बढ़िया जानकारी दिलहुँ। हाँ भाई हमरा बहुत बढ़िया से जानकारी भेटल हमहूँ से एक बेर धानक खेती जे छै से या श्री विधि से नर्सरी बेड लगा के तकर बाद करब छै ने और किसान दीदी भाई जी के सेहो सलाह देबनि जे अहाँ श्री विधि से करू नर्सरी बेड लगाओ और धानक खेती करू। जी भाई आ हम चाहै छी जे कहै के मतलब से हूँ अपना तरफ से किसान दीदी भाई लेल कोन संदेश देबनि? जरूर देबे सब किसान दीदी भाई जी से अनुरोध अछि कि श्री विधि से धान के नर्सरी बेड बनाओ अधिक से अधिक लाभ उठाओ। जीविका के ले परियोजना घुंघटा उठाओ ए दीदी जीविका के ले परियोजना घुंघटा उठाओ ए दीदी ए घुंघटा उठाओ ए दीदी घुंघटा उठाओ ए दीदी सब मिल श्री विधि खेती करबै घुंघटा उठेबै ए दीदी।